तो कुछ ऐसे होता है सुबह आगा चौकड़ी में। तो आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल पहाड़ के पीछे से, यहाँ से बिल्कुल एट द स्पॉट यहाँ से सनराइज होने वाला है। सनराइज देखने के लिए मैं उठा हूँ मॉर्निंग में। तो ऐसा कुछ है अभी यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए चारों ओर का ये रोड है और ऊपर का आसमान देखिए। हम रुके हैं याले होटल में, मतलब आज भी रुके हैं होटल गोदावरी में। तो ऐसा कुछ है यहाँ का चौकड़ी का परिवेश। वो सामने लाइट जल रही है, बेरीनाग है वहाँ पे, उसके ठीक पीछे गंगोली घाट है। तो ये सुबह सुबह का प्राकृतिक नज़ारा है, ऊपर मून आपको दिखाई दे रही होगी। तो वो क्रिस्टल क्लियर आसमान है, थोड़ा उस साइड में आज लगे हैं बादल, तो वहाँ पर पीक्स भी दिखाई देती हैं आपको, हिमालयन पीक्स ऊपर जाके। तो मैंने एक सनसेट सनराइज का एक टाइम लैप्स लगाया है गोप्रो पे, पता नहीं कैसा आता है, वही लगाने के लिए लगाया हुआ है, उसके बाद देखिएगा आप उसको। तो जिस पल का इंतजार था वो पल स्टार्ट हो गया। देखिए सामने हो रहा है सनराइज और थोड़ा विंटर लाइन बनी हुई है आजकल, येलो कलर की जो बनती है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। थोड़ा आज बादल है तो इसके पीछे वैसे हिमालयन भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आज बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो अब धीरे 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 यहाँ की जो ठंड है वो धीरे धीरे मिट जाएगी इन सूर्य की किरणों से। तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ी के पीछे। सो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। हम लोग गए हैं, कल हम थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बेरीनाग के पास है एक छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन, बहुत प्यारा सा है, बहुत सारे यहाँ पे होम स्टे हैं, मेरा वाला होटल बिल्कुल ठीक पीछे है। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, जैसे अभी देखिए ये सनराइज हो रहा है। सनराइज का मैंने आपको पहले टाइम लैप्स दिखा चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे घूमने वाले प्लेस की, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर से जो मतलब सुबह यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा है वो है मतलब काफ़ी खूबसूरत। तो प्राकृतिक नज़ारे के साथ साथ आपका यहाँ का जो मतलब शांत वातावरण है वो आपको मतलब काफ़ी दिलचस्प करेगा। और मॉर्निंग का जो ये आपका सनराइज है और इवनिंग का जो आपका सनसेट है वो आपको यहाँ पर बहुत लगेगा दिलचस्प। अभी बताते हैं पहले चौकड़ी के बारे में। चौकड़ी करीब आपका ये करीब आपका सी लेवल से करीब आपके 2000 मीटर की हाइट पे है। ठंडा यहाँ पर बहुत होता है मौसम, तो विंटर्स में तो ठंडा होता है, जैसे अभी है तो विंटर्स में ठंडा है, लेकिन इस बार उतना ठंडा नहीं है जितना मैं पहली बार आके फील किया था यहाँ पर, लेकिन इस बार उतना ठंडा नहीं है। तो जो आपका चौकड़ी है इसके लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं, वहाँ से आपको सेइन टैक्सी बेरीनाग तक मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से आप सेइन टैक्सी में यहाँ तक चौकड़ी तक आप आराम से आ जाओगे। फिर सेकंड थिंग है नियरेस्ट रेल एयरपोर्ट, वो आपका पड़ेगा पन्नगर। तो पन्नगर आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन पन्नगर तक कोई आता नहीं है क्योंकि मोस्टली वो दिल्ली तक फ्लाइट में आते हैं, दिल्ली से हल्द्वानी और काठगोदाम आते हुए ऐसे निकल जाते हैं। फिर क्या है कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो मतलब होटल हैं वो आपको जो रेंज है 500 to जैसा मतलब आपका बजट है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, मतलब 3,000-4,000-5,000 तक भी आपको रूम मिल जाएगा। जैसा आपको सुविधा चाहिए वैसा आपको यहाँ पर होटल वगैरह मिल जाएंगे और खाना भी आपको लोकल फूड अच्छा मिलेगा और काफ़ी प्राकृतिक अच्छा सुंदर नज़ारा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ के विजिटिंग प्लेस की। विजिटिंग प्लेस में क्या है कि यहाँ से जो पास है ये एक मतलब आप स्टेशन बना सकते हैं। यहाँ पर एक आपका सनगाड़ में नौलिंग देवता का मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं। एक पाखू गांव है यहाँ पर थल और इसके बीच में, तो पाखू गांव यहाँ से करीब आपका 35 किलोमीटर है, तो वहाँ माँ भगवती का मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं। करीब यहाँ से 35 किलोमीटर दूर में है गंगोली हाट, तो आप गंगोली हाट में जाके पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका माता के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये इसके जो नियरेस्ट विजिटिंग प्लेस हैं। तो साथ में यहाँ पर बागेश्वर, यहाँ से करीब आपका
40 किलोमीटर बागेश्वर है, तो बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से मुनस्यारी 100 किलोमीटर है, अगर आप मतलब एक स्टे यहाँ करें रात में चौकड़ी में, और नेक्स्ट दिन आप मुनस्यारी यहाँ 100 किलोमीटर यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ आपकी चौकड़ी की, बहुत खूबसूरत स्टेशन, ज़रूर आइएगा यहाँ पर। मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं आज माँ भगवती के मंदिर में, तो वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा यहाँ से कैसा रास्ता है माँ भगवती के मंदिर का, और साथ में और कहाँ कहाँ घूमेंगे वो ब्लॉग में आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिर ये है सिर्फ चौकड़ी चौकड़ी के बारे में कि चौक कोई लोग बोलते हैं चौकोरी, वैसे इसका नाम चौकड़ी है पुराना नाम, और बेरनाग से बिल्कुल तहसील से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है, इतना कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है और काफ़ी सुंदर है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।